अपना समझा हमेशा आपको, इस घर को भी, आज इसने हमेशा के लिए मुझे पराया कर दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती। हमजा भाई कहती है मुझे सोनिया, फॉर गॉड सेक यार। कहती हमजा भाई है लेकिन हमजा भाई मानती नहीं वो। पता नहीं क्या हो गया तुम, मेरी इतनी मोहब्बत के बावजूद सोनिया को ये इनसिक्योरिटी क्यों है? सर आपको बहुत बुला रहे हैं। सर मैं आ सकता हूँ? आओ हमजा आओ। जी सर। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है सर? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। क्यों सर? क्यों का तो मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता हेड ऑफिस से ईमेल आई है। लेकिन सर मैं अपना काम तो पूरी दयानतदारी से कर रहा हूँ। देखो हमजा वो सब मुझे नहीं मालूम, मैंने बताया ना कि हेड ऑफिस से ईमेल आई है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ वाजह है कि ऑफिस जब चाहे तुम्हें बगैर किसी वजह के जॉब से फारिग कर सकता है। लेकिन सर मैं। देखो हमजा बेहतर यही होगा कि इसके लिए तुम हेड ऑफिस से रابطہ करो। जुगनू क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? मैं नोट कर रहा हूं कल जब से हम तुम्हारे घर से वापस आए तुम चुप चुप हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम वहां रहना चाह रही थी क्या? नहीं मुझे लगा वहां रहना चाह रही थी शायद इसलिए चुप चुप हो। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर ऐसी क्या बात है बताओ। वो असल में उस दिन जो आपकी हालत हो गई थी ना वो जाकर भी मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। कम ऑन इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, रिलैक्स। यू नो जब कभी वेदर चेंज होता है ना या फिर एंजाइटी हो तो इस तरह की हालत हो जाती है, अक्सर लोगों को होती है। इट्स नॉट अ बिग डील, नॉर्मल है। तो उसके लिए आप कोई मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लेते? अरे मैं कह रहा हूँ ना कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ अगर कभी इस तरह का अटैक होता है तो रूटीन मेडिसिन ले लेता हूँ, दैट्स इट। अच्छा लेकिन आपको प्रॉपर डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना। जुगनू मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, मैं इतना बीमार नहीं हूँ कि किसी डॉक्टर के पास चला जाऊं। आज शादी के बाद पहले दिन ऑफिस जा रहा हूँ मैं, कोई अच्छी बात करूं, अच्छे मूड के साथ मुझे रुखसत करूं। आप वापसी आपकी कितने बजे तक होगी? 5-6 बजे तक। क्यों मुझे मिस करोगी क्या? हाँ? देखो अगर मुझे मिस करोगी या बोर होगी तो कॉल मी, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ओके अल्लाह हाफिज। कॉल जॉब नहीं रही तो क्या करूंगा, अब तो अकेला भी नहीं हूं। पहले भी सोनिया को सपना दे सकने की शर्मिंदगी थी मुझे जो वो डिजर्व करती है।
जॉब चली गई तो जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकूंगा। शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है, वो पहले जैसी शरारतें बातें कहाँ रहती। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मैं आपको याद है भाई से शादी से पहले भाभी कितनी चुप रहती थी, और अब तो जैसे बातें खत्म ही ना होती। हर एक की किस्मत की बात है। अम्मी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। लो, फरहान ने नोट किया, अब मैंने महसूस किया। अरे, अरे मेरी जुगनू चुप सी हो गई है, कोई बात ही नहीं करती। कहाँ वो बोलती बोलती रुकती नहीं थी, हंसी बंद नहीं होती थी उसकी। जाहिर है अम्मी, शादी के बाद कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ, तुम्हें भी तो फर्क आया ना। ठीक कह रही थी जुगनू कि लड़की जब खुश होती है तो उसकी खुशी उसके अंग अंग से छलकती है। फरहान भी सुबह यही पूछ रहा था। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप एक काम करते हैं ना, एक दो दिन में उसे यहाँ रहने के लिए बुला लेते हैं। आप खुद ही पूछ लीजिएगा कि चुप चुप क्यों है। हाँ पूछूंगी ना। लाडो में पली मेरी बच्ची मुझसे गई है। अगर उसके ससुराल में या लड़के में गड़बड़ हुई तो सबको पूछूंगी।